नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और आप देख रहे हैं समाचार वार्ता। आप भी समाचार वार्ता को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी जानकारी नई नई मिलती रहे। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पे आखिर भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान शिव को किस तरह से मनाया जाए और भगवान शिव की पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए। इन सभी की जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य मनोज शर्मा, जो कई चैनलों पर आप जिनको देखते हुए आए होंगे लाइव और काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। आचार्य शर्मा जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, भगवान शिव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि पूजा ज्यादातर लोग करते हैं लेकिन कहते हैं कि फल उनको नहीं मिल पाता। जी, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है। जय जय सियाराम, मैं आचार्य मनोज शर्मा। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व अगर बात करें तो एक विशेष पर्व है। इस पर्व में अगर बात करते हैं, जो भी सच्चे मन से आराधना भगवान शिव की करता है, यकीनन उसे फल सिद्धि प्राप्ति होती है। उसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले तन मन और आत्मा को शुद्ध करना है। महाशिवरात्रि के बारे में अगर बताया गया तो एक कथा प्रचलित है एक बेहलिए की, जो कि जंगल में था और भूखा प्यासा एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और नीचे उसके शिवलिंग स्थापित था। रात भर वह भूखा प्यासा रहा और पत्तों को तोड़ करके शिवलिंग के ऊपर डालता रहा और इस प्रकार से उसका वह व्रत समाप्त हो गया। अतः हम भी अगर सच्चे मन से अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, एक चीज और हम बात कर सकते हैं कि शिव की आराधना हम किस प्रकार से करें। मन तो उच्चार से करें, सामग्री से करें या भाव से करें। दोस्तों, इसमें हम तीनों चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन जो कि घरेलू जीवन से जुड़े हुए हैं और पाठ पूजा व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए एक सीधा सा आसान है। आप पंचामृत आप बनाएं। पंचामृत बनाने के बाद में आपके आसपास जहां पे भी भगवान शिव का मंदिर है, जहां पे सुबह शाम आरती होती हो, वहां पे आप जाएं और जल ले लें, जल ले लें, उसमें मीठा डाल लें, आप चीनी डाल लें, आप मिश्री डाल लें, गंगा जल डाल लें, शहद डाल लें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अभिषेक करें। साथ साथ में उससे पहले एक काम और कर सकते हैं कि आप ओम रुद्राय नमः इस प्रकार के भी मंत्रों का अगर तीन बार केवल जाप करते हैं और उसके बाद में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपको रुद्री का अभिषेक का फल भी आपको प्राप्त हो जाता है और भगवान शंकर जो हैं वो आपके सभी आराध्य देवों के देव हैं, जहाँ पे सभी परेशानियों को वो आपको दूर करने में सक्षम है। तो आप उस दिन का व्रत विधान पूर्ण रूप से करें तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी है वो सारी सारी समाप्त होती है। आचार्य जी, क्या ऐसा भी है कि उस दिन जब शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो क्या कोई वेशभूषा भी जो है अलग पहननी चाहिए, या जो साधारण जीवन है जिस तरह से हम लोग साधारणतः ये कपड़े पहन के रखते हैं इसी तरह से पहन के रखना चाहिए? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि वेशभूषा का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अगर मैं अगर व्रत और उपासना की अगर बात कर रहा हूँ तो कोशिश करें कि उस दिन सात्विक जीवन करें। अपना अगर घर के अंदर आपके पास में अगर बेड है तो बेड पे ना सोएं, जमीन पे सोएं। अपना जो भी बिस्तर है वो नीचे जमीन के ऊपर लगा लें और उस दिन कोशिश करें काले और नीले रंग के कपड़े ना पहनें। इनका ताज्य नीले कपड़े जो भी पहन कर विशेष व्यक्ति पूजा अर्चना करता है उसकी पूजा का फल नहीं मिलता। अतः कोशिश करें नीले कपड़ों का धारण उस दिन ना करें, भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव के ऊपर इन चीजों को ना चढ़ाएं, ये वर्जित होती है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उनको जो दुनिया को पसंद नहीं वो भगवान शिव को पसंद है, शिव उसे अपना मानते हैं, इसलिए लोग भांग और धतूरा भगवान शिव को चढ़ाते हैं। आखिर क्यों चढ़ाते हैं, क्या मान्यता है, हम सीधे बात करते हैं आचार्य मनोज शर्मा से। मनोज जी, भगवान शिव के ऊपर ज्यादातर देखा गया है भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, बेलपत्थर चढ़ाया जाता है, इन सबका तात्पर्य क्या है? देखिए, भगवान की नज़र में अगर बात करें तो सभी एक हैं। भगवान किसी को गरीब अमीर अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, उनकी नज़र में सब उनके बालक के समान हैं। उस समय के ऊपर भांग धतूरा एक ताज्य है जो हमारे समाज में है, जो कि नशीली चीज़ों के अंदर आता है। भगवान शंकर कहते हैं वो ताज्य आप मुझे अर्पित कर दीजिए और इससे आप दूर हो जाएं ताकि आपका जीवन सुख में होगा, समृद्धि वाला होगा और जो भी ऐसी चीजें जो समाज में विघटित हैं, जो समाज उसे अपेक्षित ले नहीं सकता है, उसे आप मेरे पे अर्पित कर दीजिए, मैं उस सब को स्वीकार करने में आपके साथ में हूँ। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने सुना है कि भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था
पिया था तो उसका भी कारण यही था कि उसको कोई लेना लेना नहीं चाहता था जी। क्या था वो मंथन की थोड़ा सा बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसमें एक प्रचलन है, जब असुरों में और सुरों के अंदर एक समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली थी, कामधेनु गाय से लेकर के विष का प्याला। जब विष के प्याले की बात आई ना, उसमें सुर और असुर दोनों ही ने मना कर दिया कि मैं नहीं, हम नहीं लेंगे, और अगर उसको ब्रह्मांड के ऊपर डालते हैं तो ब्रह्मांड का नाश निश्चित था। उस टाइम में केवल भोलेनाथ ही एक ऐसे थे जिन्होंने उस विष के प्याले को ग्रहण किया और अपने ग्रहण करके केवल अपने कंठ के अंदर रखा। दोस्तों भगवान शिव उस व्यक्ति के भी साथ में जिसको कोई अपनाने तैयार नहीं होता। अगर या कोई भी अगर बात करें, भगवान शिव सदैव उन व्यक्ति विशेष के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखते हैं। बिल्कुल साफ तौर से आचार्य मनोज का कहना है कि भगवान शिव उसको अपना मानते हैं जिसको कोई अपना नहीं मानता, और साथ साथ जिसको कोई ग्रहण नहीं करता भगवान शिव उसको ग्रहण करते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और भागवत चढ़ा रहे हैं तो आप याद रखें कि आप उसे ग्रहण ना करें, नशीली पदार्थों से बचें।